हेलो एवरीवन, सो इट्स अ न्यू डे और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं साल्ज़बर्ग। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे है होहेनसाल्ज़बर्ग कैसल, जहाँ की हम बाद में जाएंगे, पर आज हम अपने दिन की शुरुआत करेंगे कैफ़े ज़ाखर से। तो ऐसा बोला जाता है कि जो ज़ाखर टॉर्टर है, जो ऑस्ट्रिया में बहुत फेमस है, वो यहीं पर इन्वेंट हुआ था। और जो कैफ़े ज़ाखर है, वैसे आपको ज़ाखर टॉर्टर हर जगह मिलेगा, पर जो कैफ़े ज़ाखर है वहाँ आपको एकदम ऑथेंटिक और ओरिजिनल ज़ाखर टॉर्टर मिलेगा। तो फिलहाल हम कैफ़े ज़ाखर आ चुके हैं, पर अभी वो बंद है, खुलने वाला है, तो जाके देखते हैं कि वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा होता है। तो हम फाइनली आ गए हैं कैफ़े ज़ाखर में। तो यहाँ रिजर्वेशन लेना रिकमेंडेड रहता है, पर जब हम आ रहे थे यहाँ पर तो रिजर्वेशन ऑलरेडी फुल थी पहले। बट हाँ, ये लोग थोड़ी स्पेस रिजर्व करके रखते हैं जिनके पास रिजर्वेशन नहीं है उन लोगों को देने के लिए। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल है कैफ़े, और हमने अभी ब्रेकफास्ट और ओरिजिनल ज़ाखर टॉर्टर ऑर्डर किया है। फाइनली ये आ गया हमारा ज़ाखर टॉर्टर। दिखने में तो बहुत ही यम्मी लग रहा है, अलग से सील जैसा भी लगा रखा है इस पर ओरिजिनल ज़ाखर टॉर्टर। और मैंने लिया है कॉफ़ी में, मैंने लिया ज़ाखर मिलांश। अभी हम हैं साल्ज़बर्ग कैसल के अंदर, और यहाँ पर एक स्टेट रूम्स हैं जहाँ पर हर चीज़ एज इट इज़ रखी हुई है, जैसे पहले थी उसे वैसे ही प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तो हमने कैसल विज़िट कर लिया, कैसल के सारे रूम्स देख लिए, और अभी हम अंदर ही पैनोरामा टूर करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ से आपको पूरा सिटी का व्यू मिलेगा, और यहाँ पहुँचने के लिए बहुत लंबा स्टेयरकेस लेना पड़ा क्योंकि पूरा स्पाइरल है और बहुत टाइम लगता है। और अगर आप इतने फिट नहीं हो तो मेरी तरह आपकी सांस फूलती रहेगी। साल्ज़बर्ग का टूर तो पूरा हो गया है, अब हम जा रहे हैं मोज़ार्ट्स गेस्टहाउस की तरफ। तो जैसे आप सब जानते होंगे, साल्ज़बर्ग जो है वो मोज़ार्ट, जो बहुत ही फेमस म्यूजिशियन था, उसका बर्थ प्लेस है। तो हम उसका जो बर्थ प्लेस है, जहाँ जिस घर में वो बॉर्न हुआ था, वो देखने जा रहे हैं। फ्यूर्स्ट, और ये जगह इसलिए स्पेशल है क्योंकि यहाँ मिलता है ओरिजिनल मोज़ार्ट कुगल। वैसे तो साल्ज़बर्ग में हर सोवेनियर शॉप पर मोज़ार्ट कुगल अवेलेबल होता है, पर ये छोटी सी प्यारी सी शॉप है जहाँ पर आपको ऑथेंटिक मोज़ार्ट कुगल मिलेगा, और इसलिए यहाँ बहुत लाइन भी लगी रहती है।
मोजार्ट बोन हाउस जहाँ मोजार्ट का रेजिडेंस है। तो हम जहाँ मोजार्ट के वुड्स हाउस गए थे वहाँ मोजार्ट बोर्न हुआ था और अपना अर्ली टीनेज ईयर्स तक वो वहाँ रहे थे और उसके बाद उनकी फैमिली यहाँ शिफ्ट हो गई थी। तो अंदर कैमराज अलाउड नहीं है तो अंदर से वीडियो नहीं बन पाएगा। अब हम जा रहे हैं ऑगस्टिनर ब्राउस ट्यूबल। तो ये एक बहुत ही पुरानी ब्रूरी है, अराउंड 1600s से है। तो ये मोंग्स की ब्रूरी थी और इस ब्रूरी में अलग अलग हॉल्स हैं और इंडोर सीटिंग आउटडोर सीटिंग है और आउटडोर सीटिंग की इसकी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है। विंटर में आई थिंक आउटसाइड सीटिंग तो बंद होगी पर जो अंदर के हॉल्स हैं वो भी अभी तक ऑथेंटिक प्रिजर्व किए हुए हैं। तो हम वहाँ पर जाकर देखते हैं। ये आउटसाइड सीटिंग है एरिया पर अभी विंटर है तो इसलिए क्लोज्ड है, इसलिए हमें इंडोर एरिया में ही जाना होगा। तो बेसिकली हमें यहाँ से बियर मग उठाना है और फिर यहाँ से वॉश करना है और फिर उनके पास जाना है और वो लोग हमें बियर सर्व करेंगे। मुश्किल से हमें सीट मिली है, ये पूरा हॉल भरा हुआ है और बहुत सारी टेबल्स ऑलरेडी रिजर्व हैं। अभी कुछ देर में मैं जाऊंगी देखने के लिए, यहाँ पर जो अलग अलग फूड स्टॉल्स लगे हैं वहाँ से लंच लेना है। तो अब हम आ गए हैं आज के टूर की लास्ट जगह जो कि है मीराबेल पैलेस। हम पहले भी आए थे पर अब हम आए हैं यहाँ पर मोजार्ट कॉन्सर्ट अटेंड करने। तो मीराबेल पैलेस का एक मार्बल हॉल है जिसमें ऑलमोस्ट रोज़ मोजार्ट के कॉन्सर्ट होते हैं। तो जो म्यूजिशियंस हैं वो मोजार्ट के पीसेस बजाते हैं, अराउंड 1.5-2 घंटे का होता है। ऑस्ट्रिया का ट्रिप यहीं ख़त्म होता है एंड वी आर हेडेड बैक टू जर्मनी। और मुझे ये ट्रिप में बहुत मज़ा आया, मतलब थोड़ा अनएक्सपेक्टेड लग रहा था मुझे। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा होगा, मुझे लग रहा था कि चलो नॉर्मल साइट सीइंग जैसा होगा, बट कुछ एक्सपीरियंसेस थोड़े एक्सेप्शनल थे जैसे कि कैफे जाखर और हालस्टार्ट का जो सॉल्ट माइन था और साल्ज़बर्ग का कॉन्सर्ट। मुझे ये चीज़ें आई थिंक ऐसे एज अ हाईलाइट हो गई है मेरे लिए।